एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? गुड आफ्टरनून बीना, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिए, जरा कमेंट कर लीजिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आज 1 मिनट पहले मैं लॉगिन हो गया, बच्चे थोड़े से आ जाएंगे अभी तो क्लास स्टार्ट करते हैं और तब तक बात कर लेते हैं। आपकी क्वेरी थी क्वेश्चन आंसर को लेकर, मार्क्स और क्वेश्चंस के पैटर्न को लेकर, तो वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया था ग्रुप में, आपको मिल गया होगा। ग्रुप में आपको मिल गया जी ना? चलिए चलिए, शशांक आ गए, कुलदीप आ गए, रश्मि, शर्मा, शशांक, आपका नाम शशांक, चलिए तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लोग आते जाएंगे अभी, काफी लोग आ गए हैं। डिंपल आवाज आ रही है मेरी? डिंपल रतन, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर प्रॉपर? तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए तो आज हम मराठास पढ़ेंगे। तो देखिए मराठा में तो इसके हम लोग सुविधा के अनुसार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, ठीक है, मराठा को 2 पेज में बांट लेते हैं। एक मराठा जो शिवाजी से स्टार्ट प्रारंभ हो रहा है और दूसरा मराठा के अंतर्गत जो के पेशवास थे, ठीक है। तो वर्तमान में मध्यकालीन भारत में हम शिवाजी पढ़ देंगे, ठीक है, और उनका प्रशासन वगैरह पढ़ देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों वाला आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम मराठा के में पेशवास जो है पेशवाई उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मराठा अगर यूं कहे कि मुगलों के पश्चात, ठीक है, जब मुगल शासक जब कमजोर हुए तो उनका स्थान अगर लेने लायक कोई था तो वो मराठा ही थे। और
दक्षिण कोंकण और ये जो पोर्शन है बेसिकली, ये पोर्शन ये है इनका मराठा, ठीक है, ये पोर्शन था। और जो धीरे धीरे ये फैलते चले गए, उड़ीसा तक गए, उड़ीसा तक को लूटा उन्होंने। हालांकि एक विस्तृत केंद्रीय सत्ता की स्थापना ये नहीं कर पाए पूरे भारतवर्ष में। उसका रीजन ये था कि इन्होंने जल शक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, चूंकि इनकी जो नीति थी वो छापा मार युद्ध की थी, ठीक है। छापा मार का मतलब कि गुरिल्ला वॉर, जैसे वर्तमान में देखिए पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है वो गुरिल्ला वॉर पेयर है, ठीक है, छुप के वार करना है और फिर भाग जाना है, वार करना शुरू, आमने सामने की लड़ाई नहीं है, ठीक है। तो मराठों का उदय जब होता है बेसिकली, तो उनकी भौगोलिक स्थिति, वहाँ का जो कल्चर है, ये सब सारी चीजें, और जीवन काफी कठिन था इनका, तो जुझारूपन इनमें था। तो मराठे नो डाउट शक्तिशाली तो थे, लेकिन उतने नहीं कि जितना कि वो एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना कर सके पर, ठीक है। तो आप देखिए कि दिल्ली तक भी जाते हैं और किंग मेकर की भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है। लेकिन 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है उसमें मराठे हार जाते हैं अहमद शाह अब्दाली से। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, हल्की सी हल्की फुल्की चीजें, ताकि ये इसके बारे में, शिवाजी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अभी हम पढ़ इसका पेशवा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। शिवाजी जिनका जन्म 1627 से में होता है और 1680 में उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। दो पुत्र होते हैं, एक संभाजी दूसरा राजा राम। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई नेतृत्व संभालती है। बेसिकली संभाजी के बाद क्या है, 1680 के बाद, शिवाजी के बाद संभाजी इनके पुत्र बैठते हैं, ठीक है। और इनके पुत्र को, संभाजी के पुत्र को, ठीक है, साहू जी थे, संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी महाराज, ठीक है, इसको मुगल बादशाह ने कैदखाने में रखा गया था, ठीक है, इसको कैद कर लिया था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो उसके पश्चात बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है और वो साहू को मुक्त कर देता है। इसके मुक्त करने के पीछे का कारण एक राजनीतिक कूटनीतिक था कि अगर हम अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते तो उन्हें कमजोर जरूर किया जा सकता है। कमजोर कैसे करेंगे, ये राजा राम, और इनको अगर मुक्त कर देते हैं जाहिर सी बात है ये जाके राजा राम के साथ अपनी सत्ता की दावेदारी पेश करेगा और ये आपस में लड़के कमजोर होंगे, और हुआ भी यही, ठीक है। तो राजा राम की मृत्यु इधर हो जाती है, तो 1707 में 2 साल का जो पीरियड है उसमें साहू जो है वो सबसे पहले छत्रपति बनते हैं, ठीक है, मतलब शासक। इन दोनों की लड़ाई में इनको मिलता है शासन का, अच्छे करने का मौका, और इन्हीं के अधीन सबसे पहले बेसिकली सेना कारते का एक पद हुआ करता था, ठीक है। इन्होंने ही साहू ने ही तो साहू ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये शाहू जो है, इन्होंने सबसे पहले सेनाकारते का पद दिया था बालाजी विश्वनाथ, और बाद में चल के पेशवा के रूप में प्रथम पेशवा भी यही बनते हैं, ठीक है। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ बनते हैं। थोड़ा सा इनका डेट को याद, अगर ऊपर के 2-3 याद रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद फिर बनते हैं आपके पेशवा बाजीराव प्रथम, जिसपे पिक्चर भी आई है, आप लोगों में से कई लोगों ने इस पिक्चर को देख रखा होगा। चलिए तो हम पिक्चर पे नहीं जाते, थोड़ा हिस्टोरिकल था इसीलिए इस पर बात कर ली। उसके बाद फिर आती है
बालाजी बाजीराव नाना साहब इनको कहा गया है, ठीक है। उसके बाद पश्चात आते हैं माधवराव प्रथम, माधवराव के बाद नारायण राव, ठीक है, इनकी हत्या कर देती कर देते हैं। इनके चाचा होते हैं रघुनाथ राव, ये चाचा थे बेसिकली, इन्होंने इनकी हत्या कर दी। अब हत्या तो कर दी लेकिन फिर भी बन नहीं पाए पेशवा, ये नहीं बन पाए, ठीक है। उसके पश्चात माधवराव द्वितीय बनते हैं, ये अंग्रेज के पास चले जाते हैं और सूरत की संधि कर डालते हैं, ठीक है। चलिए, और अंग्रेज के पास जब ये जाते हैं तो बेसिकली यही सबसे बड़ा जो जो समस्या है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, कि अंग्रेजों को मौका मिल जाता है कि मराठा के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का, ठीक है। अब देखते हैं, आप लोगों को कुछ याद होगा थोड़ा सा, मैंने जब बंगाल पढ़ाया था तो बंगाल में हमने यही देखा था कि सिराजुद्दौला के बाद मिर्जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मिर्जाफर, फिर नजमुद्दौला, कुछ याद आ रहा होगा। और ये दो ये सब अंग्रेज वहां पे आपस में उनकी फूट डलवा के लड़ाई जीते रहते, तो उनको लगा कि यहाँ भी ये काम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो उसको आगे देखते हैं। तो 1707 में, हाँ ये देखिए शाहू यहाँ, ठीक है, शाहू जी महाराज जो है ये बनते हैं छत्रपति, राजा बनते हैं। और इन्हीं के पश्चात इन्होंने सबसे पहला जो पेशवा नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ को, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे अपने बालाजी विश्वनाथ, पेशवा ही एक पद हुआ करता था, आप इसको समझ लीजिए, राजा के बाद प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधानमंत्री जो होगा वो पेशवा होगा। और ये आगे चल के हम देखेंगे कि ये पेशवाई पद जो है ये कंटिन्यू वंशानुगत हो गया, वंशानुगत का मतलब पिता से पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को, ठीक है, ये ट्रांसफर होने लगा ये पोस्ट। और शिवाजी के समय में अष्टप्रधान हुआ करते थे, ठीक है, तो उन अष्टप्रधानों का जो प्रधान होता था, आठ प्रधान, अष्टप्रधान का मतलब ये थे अष्टप्रधान, ठीक है, इस अष्टप्रधान की सहायता से ही प्रशासन जो प्रशासनिक कार्य वो चलाया जाता था। अब इस अष्टप्रधान के जो प्रधान होंगे वो कौन होंगे, पेशवा होंगे, और यही पद इम्पोर्टेंट हो गया, इतना पद इम्पोर्टेंट हो गया कि राजा से भी ज्यादा महत्व का रखने वाला हो गया। तो अब बालाजी विश्वनाथ जो थे यानी प्रथम पेशवा, इन्होंने चौथ एक कर टैक्स का नाम था, चौथ के नाम से ही है, 1/4 देखिए, ठीक है, चौथ मीन 1/4 25%, ठीक है, ये कर इन्हें टैक्स था ये इस तरह का, ठीक है, जिसको वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दिया। और विभिन्न मराठा सरदार जो है वो जैसे कि इंदौर के होलकर हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, ठीक है, भोसले हो गए, नागपुर के भोसले हो गए, ठीक है, गायकवाड़ हो गए, ये सब जो लोग थे इन लोगों को, इन सरदारों को चौथ अपने अपने एरिया में आप टैक्स वसूलिए, टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया गया, तो इसी से मराठा संघ की नींव पड़ जाती है, ठीक है। अब किंग मेकर के भूमिका में मैंने आपको पहले ही बताया कि बालाजी विश्वनाथ जो थे 1719 में मुगल अधिकारी जो थे सैयद बंधु, जो सैयद बंधु थे, ठीक है, हुसैन अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला बंधु थे इधर, इधर सैयद बंधु, ठीक है, इनसे संधि कर विशेष अधिकार प्राप्त कर दिया, यानी मुगलों से, मुगल अधिकारी से कर रहे, तो ये किंग मेकर की भूमिका में आ गए, ठीक है। तो रिचर्ड एक इतिहासकार हुए हैं, रिचर्ड टेम्पल, इन्होंने इस संधि को मैग्ना कार्टा कहा,
मैंने कहा आप लोगों को बता दिया गया है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट संधि जो मील का पत्थर साबित हो रहा है, ठीक है, उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है, पहले ही बात उस पर हो चुकी है। तो अब साहू जी किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, तो अभी चूंकि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो हो चुके थे, क्योंकि मुगल बादशाह जो था अब वो कमजोर हो रहा था धीरे धीरे, और जाहिर सी बात है कि जब इसका लाभ मराठा उठाएंगे, तो इस संधि के तहत मराठों को क्या किया गया कि स्वराज क्षेत्र, अब एक टर्म्स आता है स्वराज क्षेत्र, पर मुगलों ने मींस बादशाह, मुगल बादशाह ने उन्हें टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया, ठीक है, और दक्षिण के राज्यों में उन्हें चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया। एक तो राजस्व अलग हो गया कि भाई मुगल जो टैक्स लेंगे, ठीक है, अब वो वसूल कौन करेंगे, एक तरह के छोटे सामंत हो गए ये मराठा करेंगे, और दक्षिण के जो राज्य हैं जो भारत का जो दक्षिण वाला जो यहाँ से आप मान लीजिए ये जो दक्षिण का जो राज्य में जहां भी ये फैलेंगे वो सारा उसमें चौथ वसूल करेंगे 1/4, ये अधिकार दे दिया गया मुगल बादशाह के द्वारा। अब बदले में उनको क्या मिलना था मुगलों को, तो मराठे क्या करते मुगलों की सैन्य सहायता, मैंने आपको पहले बताया कि केंद्रीय सत्ता जो थी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, तो अब मराठों ने आश्वासन दिया कि ठीक है हम आपकी सैन्य सहायता भी करेंगे, आवश्यकता जब पड़ेगी आप पर कोई हमला कर दे तो, और साथ ही 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष ये जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है उससे कलेक्ट करने का अधिकार उनको रखने का अधिकार, लेकिन ये 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को भी देंगे। क्लियर है? अब जब ये समझौता हुआ तो इस समझौते के तहत क्या हुआ, सैयद बंधुओं ने मराठों से मांग ली सहायता, ठीक है, मैंने आपको पहले कहा कि ये किंग मेकर की भूमिका में थी ये सैयद बंधु, ठीक है, जैसे कर ये हिंदुस्तानी गुट था जो मुगल बादशाह को किंग भी करके, अब ये जिसको चाहेंगे वो मुगल बादशाह बनेगा, अब बादशाह वंशानुगत तो होगा लेकिन ये इनकी मर्जी पर निर्भर। अब ये जो संधि है समझौता जो किया गया वो मराठों से किया गया सैयद बंधुओं द्वारा, और सैयद बंधु ने क्या कहा किया कि मराठे से कहा कि चलिए अब आपको तो हमने ये अधिकार दे दिया राजस्व का और चौथ वसूलने का, तो अब हम हमारी सहायता कीजिए, दिल्ली में आइए और हमारे मन मुताबिक एक मुगल बादशाह को स्थापित कीजिए दिल्ली में। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे यानी जो पेशवा, और खांडेराव दाभाडे, खांडेराव अगर आपने आप लोगों में से किसी ने अगर द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान भगवान दास गिडवाणी की पुस्तक पर इसका नाट्य रूपांतरण किया गया था बहुत पहले, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, उसमें हैदर अली मैसूर मराठे ये सब आपको द ग्रेट मराठा एंड द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की तलवार, ठीक है, ये दोनों आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे पढ़िए, इसको आपको देख सकते हैं, लॉकडाउन का थोड़ा सा फायदा भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब ये सेना जो मराठा सेना क्या की दिल्ली पहुंचाती है, इसके कहने पर सैयद बंधु कहने पर, क्योंकि पैक्ट हो चुका है, आवश्यकता पड़ने पर देखिए आवश्यकता पड़ने पर मुगलों को सैन्य सहायता देने के लिए वचनबद्ध है ये, प्लस इससे होगा क्या कि मराठों की भी जो इनका भी जो स्तर है वो बढ़ेगा, इनकी भी प्रभावकारिता सिद्ध होगी, ठीक है। अब मुगल बादशाह फर्रुखसियाब की हत्या कर दी जाती है, वही फर्रुख सियार है जिन्होंने अंग्रेजों को दस्तक वाला दिया था, याद होगा किसी को आप लोगों को, ठीक है, दस्तक अंग्रेजों को बंगाल में दिया गया था, ठीक है, एक प्रकार की सुविधा थी कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, वही फर्रुख सियार है, तो इनकी हत्या कर दी जाती है, और रफी उत्तर राज नाम एक नए शासक
कहेंगे अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट तो नहीं होगा, अपॉइंट किया गया। बाजीराव, अब बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं प्रथम पेशवा, और कहा जाता है कि इन्होंने 39 युद्ध जीते थे, एक भी युद्ध छोटे से स्तर पर ही सही, लेकिन सारे युद्ध इन्होंने जीते हैं, एक भी युद्ध हारे नहीं थे। ठीक है, तो काफी पावरफुल थे ये भी। अब बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा, अगर किसी ने फिल्म देख रखी होगी, नाम याद नहीं है, मस्तानी कुछ नाम था मराठों का भी, तो फिल्म आई थी, क्या नाम था, बस मराठों पे थी वो, दीपिका पादुकोण वगैरह थी एक्ट्रेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वहां आपको वहां भी देखने को मिलेगी। इन्होंने क्या कहा कि अपनी नीति को, पॉलिसी को इन्होंने बहुत ही स्पष्ट रखा, कहा कि देखिए मुगल जो बादशाह, अब हम बना रहे हैं बादशाह, तो ऐसा करते हैं कि उसके जर्जर वृक्ष के जड़ पर प्रहार करते हैं। जड़ पर प्रहार करेंगे तो क्या होगा, अगर किसी पेड़ को हटाना हो तो उसकी जड़ को खोद दीजिए आप, तो ऑब्वियस है कि वो पूरा पेड़ ही गिर जाएगा, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। ये स्टेटमेंट बहुत ये हुआ था, कपूर कुछ काम था, ध्यान नहीं मुझे, हाँ मैंने देख रखी है। ठीक है, तो अब बाजीराव प्रथम ने एक विशाल मराठा साम्राज्य का निर्माण का लक्ष्य घोषित किया, तो भाई अब परचम अटक से कटक तक पूरा फहराया जाएगा। अटक हो गया आपका पेशावर के पास में, और कटक हो गया उड़ीसा, तो पूरा मराठा साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य इन्होंने लिया। ठीक है, मराठा झंडा लेके कृष्णा नदी और सिंधु नदी, सिंधु नदी हो गया पाकिस्तान में, वहां भी जा रही है। ठीक है, तो वहां तक इसका पूरा मतलब दक्षिण से लेके पूरा ये जो पोर्शन है, कृष्णा नदी यहाँ हो गया, कृष्णा नदी से लेके पूरा ये मैप में आप लोग देख सकते हैं पूरा, तो ये पूरा राउंड अगर जाइएगा तो ये आपको मिलेंगे। ठीक है, तो शिवाजी के पश्चात, देखिए शिवाजी का जब उदय होता है तो उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि बहुत कारगर रही, छोटी छोटी पहाड़ियां थी जिससे वो छिपके हमला करने में बहुत सिद्ध होते थे, संख्या में कम थे लेकिन एक बड़ी सेना को ये पराजित किया जा सकता था। गुरिल्ला वॉर से, गुरिल्ला वॉर टेक्निक होती ही इसीलिए कि आप हमला कीजिए, छोटे छोटे हमला कीजिए और फिर वापस उस जगह पे, जैसे बीहड़ वगैरह में क्या हुआ है लंबे समय तक, या फिर वीरप्पन का नाम लीजिए, तो ये लोग क्या कर रहे थे, हालांकि ये लोग युद्ध नहीं लड़ रहे थे लेकिन हमला करके क्राइम करके छुपने के लिए बहुत आसान सा चीज है। तो सत्यम मंगलम के जंगल में अगर वीरप्पन को देखा जाए तो वहां छुपने के लिए कारगर था, तीन स्टेट की पुलिस ढूंढती रहती थी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर रहे हैं, चंबल के साथ भी यही चीज है, और मराठा में जो मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है वो भी ऐसा ही था। ठीक है, इन्होंने शिवाजी के पश्चात अगर कोई गुरु नीति का जो अगर जानकार या प्रतिपादक था तो बाजीराव प्रथम ही था। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू पादशाही का नारा दिया, पादशाही। ठीक है, बेसिकली मुगलों के लिए भी एक्यूरेट वर्ड जो है टर्म्स वो पादशाह है, ना कि बादशाह, लेकिन अब हम लोग बादशाह पढ़ने लगे हैं। ठीक है, ओके वाजीराव बस्तानी, हाँ ठीक है, हाँ चलिए एक सेकंड जरा सा। तो अब क्या है, हिंदू पाशाही का नारा इन्होंने दे दिया। तो बाजीराव ने क्या किया कि प्रथम जो थे बुंदेलखंड, ये एमपी और यूपी का जो मिला हुआ क्षेत्र है, ठीक है, जहां से आधा और उधर आते हैं, बुंदेलखंड के जो शासक थे उनका नाम था छत्रसाल,
उनकी काफी मदद वगैरह की थी पढ़ाई वगैरह में। तो उन्हें छत्रसाल ने क्या किया, सागर और झांसी जो है ये कुछ क्षेत्र उनको प्रदान कर दिए कि भाई आप अपना कुछ राजस्व यहाँ से वसूल लीजिए। ठीक है, तो इसी दौरान ये जो मस्तानी नाम की जो महिला है इनके संपर्क में आती है, ये बाजीराव प्रथम की। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है 1740 में। तो 1740 से 1761 लगभग ये भी 20 साल राज करते हैं, और इसी समय शाहू की मृत्यु हो चुकी थी। और राजा राम जो सेकंड है, यानी ये राजा राम सेकंड जो है ये ताराबाई के पुत्र है, मतलब तो अपने पिता के ही नाम को आगे बढ़ाया, इसीलिए सेकंड इनको द्वितीय कहा गया, द्वितीय इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, राजाराम द्वितीय। ठीक है, ये छत्रपति बनते हैं, जिसके साथ पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि की है। तो संगोला की संधि जो हो रही है ये इम्पोर्टेंट है, संधि क्यों इम्पोर्टेंट है अभी बताता हूँ। तो ये राजाराम द्वितीय के साथ हो रही है, इसको याद रखिएगा, राजाराम द्वितीय से। ठीक है, यानी पेशवा और राजा के बीच में एक संधि हो रही है, संगोला की संधि। अब आप ये देखिए कि भाई मंत्री और जो उनका प्रधानमंत्री है और राजा के बीच में संधि कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ बालाजी बाजीराव के समय में ही, ठीक है, सारी पेशवाई शक्ति जो है वो एक तो वंशानुगत हो गया, प्लस संपूर्ण अधिकार पेशवा में निहित कर दिया गया। राजा को कहा गया कि ऐसा, क्योंकि इतना इनके इनका कद बढ़ गया पेशवा का, कि इन्होंने कहा राजा जी आप चुपचाप कोने पर बैठिए, हम सारे अधिकार को हम यूज उसको एंजॉय करेंगे, सारे अधिकार टेक ओवर कर लिए इन्होंने पेशवा ने। ठीक है, और ये बालाजी बाजीराव के समय होता है, संगोला की संधि याद रखिएगा। ठीक है, अब मराठा राज्य का जो प्रधान पेशवा कौन बन गया, ऑब्वियस सी बात है, और शक्ति जो थी ये अब पूना में, जो अब पुणे हो चुका है। ठीक है, पूना की संधि पुनः ऐसे होगा, पुनः की संधि शक्ति का केंद्र बना। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव के समय ही सारी शक्तियां तो इसमें नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध करेंगे तो भी यही करेंगे। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ठीक है, और यह युद्ध क्या है, अफगान और मराठों के बीच में हुआ। तो ये इसको भी आप लोग मतलब कहते हैं कि भाई ये युद्ध अगर नहीं होता तो मराठों का फिर राज होता। ठीक है, इसी युद्ध में अफगानों का नेतृत्व जो है अहमद शाह अब्दाली ने किया। ठीक है, और मराठों के जो सेनापति थे वो विश्वास राव थे। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें यहाँ पे, विश्वास राव थे सेनापति, लेकिन व्यवहार में वो सदाशिव राव भाव थे, उनके हाथ में था ये, मतलब ये केवल संकेत मात्र थे, एक्चुअल जो पावर है वो सदाशिव राव भाव के हाथ में थी, और ये सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, विश्वास राव तो बहुत छोटा सा बच्चा था, 17-18 साल का, जो मेन जिनकी मतलब वास्तविक जो शक्ति जो थी वो सदाशिव राव भाव के हाथ में। क्योंकि अब मराठों के साथ एक समस्या थी कि इन्होंने अपना राजस्व वसूलने या टैक्सेशन का कोई बहुत अच्छा तंत्र विकसित नहीं किया, पर अपने राजकाज को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर ये आस पड़ोस के क्षेत्र में लूट मार कर दिया करते थे। ठीक है, तो जिससे कि सभी लोग इनसे क्षेत्रीय शक्तियां जो कि जाट हैं या फिर अलग अलग जो क्षेत्र के जो ये थे अवध के नवाब हैं, सभी लोग इनसे खपाते, और यही रीजन था कि
जब इनको पानीपत के युद्ध में जब इनको सहायता की आवश्यकता पड़ी तो कोई किसी भी क्षेत्रीय शक्ति का ये सहायता पाने में असफल रहे, यानी कूटनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं, मतलब इनकी स्थिति मजबूत नहीं कही जा सकती। वीर थे, बिल्कुल थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पे फिर यहाँ पे इनको मात मिलती, क्योंकि टैक्सेशन का कोई भी राज्य को स्टेबिलिटी देने के लिए नियमित स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, पैसा रेगुलर आना चाहिए, टैक्सेशन होना चाहिए, और ये व्यवस्था ये विकसित नहीं कर पाए थे। ठीक उनकी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। ठीक है, तो अब देखिए जाट जो नेता थे सूरजमल इस लड़ाई से अलग ही रहे, और जो भी लोग इसको हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं, ठीक है, तो मराठों का तोपखाना का नेतृत्व किया था इब्राहिम गार्दी ने, ये ध्यान रखिएगा। और मराठों की सेना में एक और एक मिथ चलाया जाता है वामपंथियों द्वारा कि अभी भीमा कोरेगांव, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। हाँ हाँ थोड़ा कनेक्शन चला गया था। चलिए ठीक है, तो अब इनके साथ क्या हुआ कि भीमा कोरेगांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं ये कह रहा था। तो वहां पे ये कहा गया कि मराठों की सेना को कहा गया ब्राह्मणों की सेना, और अंग्रेजों की सेना में कहा गया दलितों की सेना। तो एक मिथ है ये, ठीक है, मराठों की सेना में मिलीजुली सेना होती थी, सभी जाति के लोग होते थे, हिंदू मुसलमान सभी होते थे। ठीक है, तो एक मिथ भी चलाया गया था, तो थोड़ा करंट से रिलेटेड है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस भीमा कोरेगांव में मराठों को अंग्रेजों ने युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, तो ये छोटे मोटी लड़ाइयां हुआ करती थी, पर उसको एक ग्लोरीफाई करके दिखाया गया, और उसको जबकि अंग्रेजों की सेना थी तो उसको दिखा दिया गया कि दलितों की सेना, जबकि ऐसा था नहीं। ठीक है, दलित भी थे उसमें, उस सेना में, अंग्रेजों की सेना में, और अंग्रेज भी थे उसमें। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो जीत हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जीत अंग्रेजों की हो रही है, लेकिन उन्होंने समाज को बांटने के लिए इस तरह का नैरेटिव चला दिया। तो आप लोग इस तरह के नैरेटिव से बचने का भरसक प्रयास करें। ठीक है, इतिहास को फैक्ट के बेस में देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जाना चाहिए, ना कि परसेप्शन के आधार पे। परसेप्शन के लिए तो फिर
आपको स्वतंत्र बनाने के लिए, उस पर तो चलिए। अब पानीपत के साथ अब ये जो वॉर हुआ है, इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है? तो एक होमवर्क मैं आप लोगों को अभी दे देता हूँ। पानीपत के तृतीय युद्ध जो है, यानी तीसरा युद्ध जो है 1761 वाला, ठीक है, इसने यह निर्धारित नहीं किया कि शासक कौन बनेगा, क्योंकि तो ये शासन के लिए तो लड़ाई हो नहीं रही थी, ठीक है, बल्कि कौन नहीं बनेगा ये क्लियर हो गया। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि अब्दाली आया तो लूट मार किया और वापस चला गया। उसका उद्देश्य भारत में स्थायी अफगान राज्य की स्थापना करना नहीं, ठीक है? तो लड़ाई लड़के वो वापस चला गया अपने एक उसको सौंप के, मुगल जो सूबेदार थे उनको सौंप के। लेकिन अब ये हार चुके हैं तो ये भी शासक नहीं बन सकते। मराठे जो है मुगल सत्ता को चुनौती कौन दे रहा था? मराठे दे रहे थे, ठीक है? और पानीपत में ये दावा उनकी हवा निकल गई, ठीक है, क्योंकि तो वो हार गए और मराठे भारत के शासक नहीं हो सकते। तो अफगानों ने भी भारत में शासक होने का दावा तो किया नहीं, ठीक है? वैक्यूम शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। वैक्यूम, एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ रहा था। तो अब अंग्रेजों को लगा कि हाँ, अब इनके मार्ग का एक कांटा निकल गया। मराठे उनको टक्कर दे सकते थे, जो कि खुद ही ये हार गए, तो कमजोर हो गए। अब मराठों की हार के लिए हम कुछ निम्न कारण मान सकते हैं कि आपसी एकता का अभाव, ठीक है, एकता की कमी। जैसे आपने देखा कि जाट नेता जो सूरजमल थे, उन्होंने पेट नहीं किया, और अन्य जो रसद वगैरह जो है वो भी उनको नहीं मिला, ठीक है, वक्त पे। फिर एक बहुत बड़ी संख्या में ये स्त्रियों को लेकर साथ में चल रहे थे, ठीक है? तो ये भी एक, अब उनकी सुरक्षा के लिए एक सेना की एक टुकड़ी लगा दी गई, ठीक है? बहुत मतलब इनकी चौथ वगैरह वगैरह जो, और लूटमार जो करते थे, इससे उनकी क्षेत्रीय शक्ति उनसे कभी बनी नहीं, तो सहयोग भी प्राप्त नहीं हुआ। और सैन्य संगठन में तो कमजोरी थी, अनुशासन और प्रशिक्षण का इनमें अभाव था। तो ये कुछ कारण है जिसको हम देख सकते हैं मराठा में, ठीक है? चलिए अब आते हैं पेशवा माधव राव प्रथम। अब ये माधव राव जो है, यही अंग्रेजों के पास चले जाते हैं, ठीक है, घर की बात को अंग्रेजों तक ले जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि दो भाइयों के बीच की लड़ाई है, तो आप चले गए तीसरे के पास, ठीक है? छोड़ो, एक योगी पेशवा तो थे, पानीपत के विजय के पश्चात, नहीं सॉरी, ये प्रथम है, वो सेकंड थे, ठीक है? तो माधवराव जो है प्रथम एक युग पेशवा थे, और पानीपत में जब चीजें बिगड़ गई, इनके हाथ से निकल गई, तो फिर से मराठों की शक्ति को फिर से पुनः संगठित करने में, रीइंफोर्स करने में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है? और इन्हीं के समय में महाजीत सिंधिया के प्रयास से फिर से, देखिए फिर से वही भूमिका में आ रहे हैं। पानीपत युद्ध में हारने के पश्चात 12 साल की का टाइम पीरियड है, मान लीजिए 11-12 साल का पीरियड है, इसमें दिल्ली पर गद्दी में फिर से शाह आलम द्वितीय को बैठा देते हैं। फिर से तो किंग मेकर की भूमिका में फिर से आ गए, ठीक है? लेकिन इनको टीबी की बीमारी थी, तो ये अकाल मौत ये हो जाती है इनकी। और जब इनकी मौत होती है, तो फिर क्या, पानीपत की पराजय से भी अधिक घातक माना गया। क्यों? क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में किंग अपने हिसाब से, यानी मुगल बादशाह को खुद स्थापित कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, खुद ही राजनीतिक पटल से गायब हो जा रहे हैं, ठीक है? तो फिर एक नन्हा सा एक बच्चा था 2 साल का,
उसको बनाया गया रघुनाथ राव नारायण राव को, इसकी हत्या कर देते हैं रघुनाथ राव उसके चाचा, फिर भी ये बन नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये नारायण राव किसको, ये बेसिकली माधव राव प्रथम का ही पुत्र थे वो। ठीक है, तो अब इसके लिए एक गठित की गई थी समिति, 12 भाई परिषद, 12 भाई परिषद, 12 भाई लोग की एक परिषद थी। ठीक है, जिसमें नाना फडणवीस जो थे ये अपना प्रमुख थे ये। तो अब माधवराव द्वितीय के पेशवा बनने के पश्चात रघुनाथ राव जो है निराश हो गए। ठीक है, और अंग्रेजों की शरण में चला गया और सूरत की संधि कर लेते हैं। ठीक है, सूरत की संधि करते हैं माधवराव सेकंड। ठीक है, जिसके तहत अंग्रेजों ने उनको कहा कि ठीक है भाई, अब आप पेशवा बनाने में हम आपको सैन्य सहायता देंगे। क्लियर है, और अब अंग्रेजों को क्या मौका मिल गया है कि भाई मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का। जाहिर सी बात है कि अगर आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कीजिएगा तो जिसकी सहायता से आप बन रहे हैं, आपको मिल रही है, वो अपनी सहायता भी देगा। तब जब वो दुश्मन बहुत चला था, तो अंग्रेज कूटनीति रचने में तो बहुत माहिर थे। ठीक है, लेकिन सारी बात हम अंग्रेजों तक सीमित नहीं रह सकते कि अंग्रेज कूटनीति में माहिर थे तो दुष्ट थे। ठीक है, वो सारी चीजें कमी थी, पर अपनी कमी भी हमें देखनी चाहिए। हमारी कमी थी कि, यानी हमारी का मतलब मराठों की ये कमी थी कि वो आपसी एकता का अभाव था। ठीक है, पद के लालच में कि भाई हमें पेशवा बनाया जाए, अंग्रेजों की मदद ले रहे हैं, ये प्रत्येक कारण। ठीक है, तो गद्दार कह सकते हैं, हालांकि इस शब्द से मैं बचता हूँ क्योंकि तो मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के लोग इतिहास में हुए हैं। ठीक है, और ये कोई धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं बालाजी द्वितीय, ये है अंतिम पेशवा। तो ये जो इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने इसको चुनौती दी और अंत में 1803 में बेसिकली बसिन की संधि होती है, कहीं कहीं ये बेसिन भी लिखा हुआ है। 1802 में ये भी, जब जो आपको मैंने पहले बताया है कि होलकर हैं, सिंधिया हैं, गायकवाड़ है, भोसले हैं। ठीक है, ये हो गए आपको सीधा यहाँ पे। तो ये जो चार लोग जो है ये नहीं है। ठीक है, इनमें से होलकर जो थे इंदौर वाले, इन्होंने अंतिम पेशवा को चुनौती दी, दबाने की कोशिश की। तो बालाजी द्वितीय जो पेशवा जो होते, बात के जहाँ कहाँ चलेगा, ये भी अंग्रेज के पास चलेगा। तो पहला एक आपने अभी देखा कि माधवराव द्वितीय जो थे अंग्रेजों से संधि करते हैं, सूरत की संधि, और ये पेशवा जो है ये करते हैं बसिन की संधि। ठीक है, 1802 में, तो एक नाव में बैठ के संधि वगैरह करते हैं, और ये बहुत ही कायराना, मतलब ये आपस में सभी, ये क्यों ऐसा हुआ था ये भी इसके पीछे का भी कारण है। ये पेशवा जो थे बालाजी द्वितीय, ये इतने दुष्ट थे कि आपस में ही सबको लड़वा रहे थे, अपने ही मराठा सरदारों को, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि आपस में सब सरदार लड़के कमजोर हो जाएंगे और मेरी सत्ता बची रहेगी। मतलब यहाँ तक, जब आप कहते हैं ना, कहावत है कि जब आदमी गिरना स्टार्ट होता है तो पता नहीं चलता है कि कितना गिरेगा। ठीक है, तो ये वही चीज है, बहुत ज्यादा राजनीति रच रहे थे, फूट डलवा रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे पेशवा होके अपने ही लोगों के खिलाफ। ठीक है, उस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश कंपनी
विलेज भी क्या कर रहे हैं, सहायक संधि करेंगे, आप लोग को याद होगा तो क्लास में बताया था मैंने। अब ब्रिटिश कंपनी को विचार थे कि भाई सबसे सहायक संधि कर ले, और सहायक संधि बेसिकली क्या थी, सहायक संधि थी कि आपके पैसे पर हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप ही के घर में, ठीक है। तो अब ये संधि की गई पेशवा के साथ, ठीक है, जो कि सहायक संधि थी। और इस संधि के साथ के तहत क्या होगा कि आपके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रख दिया जाएगा, आपके दरबार में रहना होगा, आप किसी से संधि वगैरह नहीं कर सकते, सेना का खर्चा भी आपको उठाना होगा, ठीक है। तो मतलब आप के अंग्रेजों के मातहत अंडर में ही एक वो आपको शासन करना होगा, ठीक है। अब सेना का खर्च के लिए 26 लाख रुपए पेशवा को अंग्रेजों को देने की बात की थी, जाहिर सी बात है कि ये अपमानजनक थी, मराठों ने इसका विरोध कर दिया। और इसी क्रम में जब विरोध किया तो फिर प्रथम वॉर हम देखते हैं प्रारंभ होता है, इसको जरा सा देख लेते हैं हम। एंग्लो मराठा वॉर, 3 युद्ध लड़े गए। तो हमारा टॉपिक भी था मराठा, तो मराठा में को हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति जो है किस प्रकार, हमने बंगाल पढ़ा, हमने मैसूर पढ़ा, हमने हैदराबाद पढ़ा, हमने कर्नाटक पढ़ा, ठीक है, ये कंटिन्यू चला आ रहा है। तो देखिए कि धीरे धीरे अब नीचे मैसूर हो गया, पहले उसके पहले कर्नाटक हो गया, फिर मैसूर हो गया, बंगाल वो जीत चुके हैं, अब मराठों की बारी थी, ठीक है। और अंग्रेज भी बंगाल के थ्रू वो जीत चुके हैं अंग्रेज। तो अब जो सबसे बड़ी जो सत्ता जो रह गई भारतीय राजनीतिक पटल पे वो मराठा थी। इससे उन्होंने 3 वॉर लड़े अंग्रेजों ने मराठाओं से, और क्रमशः हम इसका डेट थोड़ा सा ये पीजी में आपको पूछा जा सकता है कभी, पीसीएस में तो इसकी गारंटी है कि पूछा ही जाता है क्योंकि कई बार आ चुका है, लेकिन ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है यूपीएससी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कौन था, या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट देके आपको कंफ्यूज करेगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा क्लास के बाद, ठीक है, जब पीटी का टाइम आएगा तो हम लोग उस पर भी देखेंगे, अभी तो थोड़ा सा मेंस का देख लेते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उसको आपको ध्यान में रखिएगा, डबल मेहनत नहीं होगी, एक ही मेहनत में आप लोग विन विन की सिचुएशन में रहिएगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 82 तक लड़ा गया, द्वितीय 1803 से 1805 दो साल, और फिर ये तीसरा युद्ध जो है 1817 से 1818, बेसिकली ये 3 वॉर लड़े गए, ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा 75 से 82। ये सप्तवर्षीय कर्नाटक युद्ध से थोड़ा सा देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कर्नाटक युद्ध का एक स्टेटमेंट दे दिया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, प्रथम सेकंड मराठा एंग्लो मराठा वॉर, ऐसे करके भी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, इस एंग्लो मराठा युद्ध में क्या बेसिकली बाजीराव द्वितीय जो है उन्होंने संधि कर ली है, ठीक है। तो इस संधि को पेशवा तो मान रहा था, पेशवा मान रहा था, लेकिन बाकी मराठा सरदार यानी गायकवाड़, भोसले, सिंधिया या फिर वो होलकर जो थे, ये लोग नहीं मान रहे थे, ठीक है। और क्योंकि वो उनका सबके सबके इन सरदारों के जो पेशवा थे वो थे बालाजी द्वितीय। अब ये ही मतलब अब प्रधानमंत्री ही जाके अगर संडर कर दे किसी के सामने, ठीक है, तो ये बहुत शर्म की बात है। और अंग्रेज को अब मौका मिल गया कि भाई चलिए आपके हम मराठा राज्य में हस्तक्षेप करने का मौका मिल चुका है। वैसे भी बॉम्बे के जो अधिकारी थे, बॉम्बे थी, ठीक है, प्रेसिडेंसी थी, आपको पता ही होगा, एक मुंबई बॉम्बे, दूसरा बंगाल और तीसरा मद्रास, तीन प्रेसिडेंसी थी। तो एक ने तो मैसूर जीत लिया, कर्नाटक जीत लिया, अब इनके जिम्मे आया कि भैया आप मराठा जीत लीजिए,
और इन्होंने तो बंगाल जीत ही दिया है, तो पूरे भारतवर्ष में राज हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब ये कुछ सोच रहे थे बॉम्बे वाले जो प्रेसिडेंसी के जो थे गवर्नर, वो सोच रहे थे कि भाई बंगाल की तरह ही हम कुछ करते हैं ऐसा कि कुछ पैसा हम भी यहाँ कमा लेंगे और कुछ क्षेत्र भी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ वैसा ही वैसा होगा, वैसा ठीक है, तो वैसा बनेगा, वैसा ही लाभ प्रयास मतलब लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे जैसा कि क्लाइव ने बंगाल में किया था, नवाब के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया और सारी सत्ता हथिया ली, उसी तरह का कुछ करने की सोच रहे थे। तो अब 1882 में युद्ध समाप्त हो गया क्योंकि अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। ठीक है, माधवराव द्वितीय को ही पेशवा स्वीकार कर दिया और इस वक्त थे बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। क्यों इसी बंगाल को क्यों कहा गया, क्योंकि तीनों प्रेसिडेंसियों का जो सर्वोच्च था इसके अंदर में था, बंगाल के अंदर में। ये तो 1912 के बाद ही 1911 में कोलकाता से फिर ये मूव करता है दिल्ली। ठीक है, तो अभी तो ये फिलहाल हेड करना था बंगाली, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स का। टाइम पीरियड से भी आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब आते हैं आंग्ल द्वितीय युद्ध, आंग्ल मराठा, इसमें क्या है। अब आ जाते हैं वेलजली। देखिए फर्स्ट में क्या है, हेस्टिंग है, दूसरे में वेलजली है। ठीक है, और मराठों को पराजित कर देते हैं। सब लोग मिले जुले जो तमाम सरदार जो थे, होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, तो ये सब लोग मिलके लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। और आर्थिक प्रादेशिक लाभ मतलब कि सबसे अलग अलग भूमि प्राप्त करते हैं ये लोग। ठीक है, तो सबसे पहला भोसले से करते हैं देवगांव के संबंध, इसको ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसको ये फॉरवर्ड बिना किए आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में तो ये कंफर्म है कि आता ही है, यूपीएससी में भी ये आ सकता है कभी, हो सकता है आप पीछे अगर मुझे ध्यान नहीं है अभी रहता हूँ तो ये आया भी वो। ठीक है, तो भोसले के साथ देवगांव के साथ की संधि की 1803 में, लेकिन सर 1803 में है और लास्ट में जाके होल्डर के साथ संधि होती है 2 साल बाद, तो हम इसको याद कैसे करें। ठीक है, तो आशा भोस एक ट्रिक है, आशा भोसले नाम सुना होगा, गायिका है काफी फेमस है। तो अब आशा भोसले को याद रखिए, उनकी आवाज जो है देवता एकदम देववाणी वाली आवाज है, बहुत मधुर आवाज है, तो आशा भोसले देवता की तरह, देवी की तरह है। ठीक है, तो इकोनॉमिक के रूप में हो गया कि भोसले के साथ देवगांव की संधि हो रही है। ठीक है, या फिर भोसले के गांव, आशा भोसले का गांव भी याद रखिएगा तो देवगांव याद आ जाएगा आपको, ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। नोमैनिक बनाने से क्या है कि थोड़ा सा चीजों को याद रखना, डिटेल रखना थोड़ा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली। ठीक है, अब आइए देखिए सिंधिया, ये एस फॉर सिंधिया है और एस फॉर सुरजी अर्जुन गांव है, दोनों में एस एस आ रहा है, देखिए कॉमन चीज है। तो सुरजी जब मैच द फॉलोइंग, इस तरह का जो नोमैनिक है ये आपको मैच द फॉलोइंग करने में आसानी हो आसान हो जाएगा आपको, देखिएगा और तुरंत 10 सेकंड में आप उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सुरजी सिंधिया ने सुरजी अर्जन गांव की संधि की है 1830 में। ठीक है, इसको भी अंग्रेज हराते हैं और करते हैं इससे संधि, और अंत में जाकर सबसे अंत में होलकर आते हैं, आधा लाभ होना चाहिए। ठीक है, होलकर के साथ राजपूत भारतीय, होलकर को आप मान लीजिए कि होलकर राजपूत। ठीक है, तो राज होलकर के साथ राजपूत
राजपूत नहीं है, राजपूर होना चाहिए इसको, राजपूर होना चाहिए, राजपूर। इसको आप लोग थोड़ा सा सीख कर लीजिएगा, राजपूर घाट की संधि है, ठीक है, 1805। अब आइए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। अब 1718 में ये लड़ा गया। इस वक्त कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। अब आप देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल आप लोगों को मैंने बताया था कि टेक्निकल चीज है। टेक्निकल क्या है? फर्स्ट में वॉरेन हेस्टिंग लड़ रहे हैं, वॉरेन, वॉरेन ये अलग व्यक्ति है और ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ये लॉर्ड है, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर कभी बने तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वो 1813 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 1818 तक चलता है ये इनका कार्यकाल, 5 साल, ठीक है। तो अब गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, द्वितीय में आपके हो गए वेजली, ठीक है, और फिर हेस्टिंग आएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो अंग्रेजों ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया, क्यों किया? तो पिंडारी क्या थे बेसिकली? एक लूटपाट करने वाले समूह था, ये सभी लूटपाट क्या करते थे, जो मराठा सेना में सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। तो लूटपाट करने वाला समूह था जो मराठा के अंडर में ही काम करता था, ये तो मराठों से कुछ हिस्सा इनको मिल जाता था, सॉरी इनसे कुछ मराठों को हिस्सा मिल जाता था। अंग्रेजों का ये क्या कर रहे थे कि व्यापारियों को लूट रहे हैं, अंग्रेज का व्यापार हो रहा है, किसी का भी व्यापार हो रहा है तो लूट रहे हैं, तो शांति व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ही टफ हो रहा था। तो अब इन्होंने सोचा कि चलिए पिंडारियों का दमन जो है, ठगी पिंडारियों का दमन, ठगी प्रथा का जो ये अंत है वो तो कैप्टन स्लीमन करते हैं, पिंडारियों का दमन हेस्टिंग के समय में हो रहा है, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो इसी क्रम में मराठों से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सलमान खान की मूवी भी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो पिंडारी, उसका नाम मुझे थोड़ी पिक्चरों का नाम, फिल्म का नाम याद रखने में मुझे दिक्कत होती है, पर मैंने वो भी देख रखी थी, हालांकि वो फेक मूवी है, इतिहास से उसका कोई लेना देना नहीं है। पिंडारियों को देशभक्त बताया गया है, ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ये लूट मार करते थे बेसिकली, ठीक है। तो मूवी का अपना एक फिक्शन होता है, कुछ भी दिखा देने की अभिव्यक्ति की आजादी समझते हैं लोग, इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए अब पिंडारियों के विरुद्ध ये अभियान हो जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध कार्रवाई की, और जाहिर सी बात है कि ये मराठा के अंदर में थे तो मराठों से युद्ध होना तय था। युद्ध होता है, युद्ध में पेशवा पराजित हो जाते हैं, ठीक है, ये माधवराव द्वितीय की बात हो रही है, ये पेशवा थे, ठीक है। तो फिर नहीं, माधवराव की बात तो फिर वो आ गए ना आपके, क्या नाम है इनका, क्या नाम हो गई, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो मैं नाम भी देता हूँ यहाँ पे, क्या माधवराव द्वितीय, माधवराव द्वितीय ही है। तो अब क्या है, पेशवा का पद को ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है, पेशवा का पद को तो समाप्त करके पुणा, पहले पुणा की संधि की गई, और इसी संधि में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1818 में
पेशवा का पद को ही समाप्त कर दिया गया। और बाजीराव द्वितीय, देखिए यहाँ बाजीराव द्वितीय ही है, बाजीराव द्वितीय जो है उनको पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया, कानपुर के पास बिट्टू, ठीक है। और नाना साहब इन्हीं के ये थे, नाना फडणवीस अभी आया था, ठीक है। अब पूरी तरह से कब्जा हो गया अंग्रेजों का, ठीक है। तो इस मराठवाड़ा जो क्षेत्र था, मराठ कोंकण का क्षेत्र भी इसमें आता था, बेसिकली वर्तमान में जो महाराष्ट्र है उससे थोड़ा सा और बड़ा था, ग्रेटर था, ठीक है। एमपी वगैरह का सारा क्षेत्र उसमें आएगा। तो अब इस मराठवाड़ा क्षेत्र पे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया, और ये मराठवाड़ा आज भी वर्तमान में भी ये जो है काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो काली मिट्टी में क्या, कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी गई है, ठीक है। कपास के लिए बहुत ही अच्छी ये कपास वाला बेसिकली ये बेल्ट क्यों था, कपास का बेल्ट था ये, तो जिससे कि सूती वस्त्र बनेगा। तो और दूसरा इनको डॉकयार्ड वगैरह मिल जाएंगे, आप ऐसे समझिए ये कोस्टल एरिया हो गया। अगर आप मराठा को जीतते हैं तो ये कोस्टल एरिया भी तो अंग्रेजों के प्रभाव में कब्जे में आ जाएगा सारा, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की औद्योगिक जो मिले हैं उसकी आवश्यकता, रॉ मटेरियल आराम से लाना ले जाना हो जाएगा, आयात निर्यात संभव हो जाएगा बिना बात के, बिना किसी कठिनाई के, ठीक है। और पिंडारियों का दमन कर ही दिया गया है, ठीक है। मराठों को कब्जे में ले लिया गया, पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया, तो मैदान पूरा साफ है, ठीक है। अब आते हैं मराठा का कुछ प्रशासन वगैरह देख लेते हैं, ये प्रशासन किस तरह से चला रहे थे। बेसिकली शिवाजी का जो प्रशासन है वो अलग हम पढ़ेंगे, फिर से कह रहा हूँ, वो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन वाले में, ठीक है। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम पेशवा वाला, जो इनका जो प्रशासन था उसमें क्या क्या कुछ चीजें थी इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। तो इसको थोड़ी सी बनाने की कोशिश की है मैंने। तो ये सरदेशमुखी, आप लोगों को याद होगा अभी सरदेशमुखी और ये देशमुख होगा, देशमुख, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं उसमें, पर कोशिश की हमने बनाने की। तो ये बेसिकली छत्रपति जो नहीं, जो पेशवा राजा हो गया, राजा को क्या मिलेगा, हमेशा सरदेशमुखी मिलेगा। देखिए देश लगता हो ना, छत्रपति को सरदेशमुखी मिलेगा, 1/10 टोटल राजस्व का जो भी ट्रांजैक्शन कलेक्ट होगा। ये क्यों मिलेगा उसको, क्योंकि राजा सभी सरदारों में बड़ा है, इसीलिए उसको उसके अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए सरदेशमुखी मिलेगा। चौथ जो है ये सब सरदारों में बटेंगे, ठीक है। और देशमुख क्या करेगा, उसको कलेक्शन करने का काम करते हैं, को ध्यान में रखिएगा। इस तरह का कुछ फिगर अगर कभी मेंस में आ जाए तो इस तरह का फिगर जरूर बनाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिगर बनाने से क्या होगा, आप के आंसर में 1 नंबर का इजाफा होगा, बहुत नंबर ज्यादा नहीं पर 1 नंबर का डेफिनेटली होगा। और अगर हर क्वेश्चन पे 1-1 नंबर भी अगर आप गेन कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि 20 क्वेश्चन के मतलब 4 पेपर में 80 नंबर आपने बिना बात का दूसरे से लीड ले लिया। तो यूपीएससी में यही कुछ चीज है कि 1-1 नंबर आपको कमाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए मराठा प्रशासन देख लेते हैं। मराठा प्रशासन अभी हमने देखा जैसे कि मराठों जहाँ स्वराज क्षेत्र है, एक स्वराज और दूसरा मुल्क के कदीम यानी उसके नेबर वाला क्षेत्र। अगर ये सपोज ये मराठा का पूरा क्षेत्र है तो ये पूरा जो पूरा क्षेत्र को हम स्वराज क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके आसपास भी तो पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं है, तो मुल्क के कदीम कहा जाता था पड़ोसी क्षेत्र। इसमें क्या था कि मराठा सरदारों को
ये टैक्सेशन जो कलेक्ट होगा मराठा सरदार देंगे, सरदेश मुखी नामक कर देंगे, ठीक है, जो कि एक बड़ा दसवां भाग होगा, और यह कर सीधा छत्रपति को जाएगा। अर्थात मराठा सरदार इसमें हकदार नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रधान को ही जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या पड़ोसी राज्यों के साथ क्या था, चौथ, यहाँ मराठा सेना अभियान करके चौथ सैन्य अभियान करते थे बेसिकली, यहाँ सेना नहीं होगा सैन्य होना चाहिए, सैन्य अभियान, ठीक है। तो ये चौथ आपको बता ही चुका हूँ, नाम से ही क्लियर है, 1/4 होता था, ठीक है। और यह विभिन्न मराठा सरदारों में विभक्त होगा, मतलब जो भी कलेक्शन एक जगह आके इकट्ठा होगा, सब अपने अपने क्षेत्र से वॉरियर से सिंधिया हैं, होलकर जो है इंदौर के हैं, गायकवाड़ नागपुर के हैं, भोसले हैं, ये सब जो लोग हैं ये सारे लोग कलेक्शन करेंगे और एक जगह इकट्ठा होगा, एक जगह इकट्ठा होने के बाद सब में आपस में बटेगा फिर ये चौथ, ठीक है। ये इनका बेसिकली प्रशासन था मराठों का, ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग अपना जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ये वो चैप्टर समाप्त। शशांक वीर भाई, आप लोगों को पिक्चर का नाम बहुत याद रहता है, मान गया, मैं तो पिक्चर देख लू लेकिन उसका नाम ही मुझे याद नहीं रहता है। चलिए अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ पूजा, आप दिखाई दे रही हैं, हाँ बताइए। कोई, हाँ वॉइस आ रही है, हाँ पूजा आप दिखाई भी दे रही है, विजिबल है यहाँ पे आप, हाँ। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और या फिर किसी ने क्वेश्चन अगर लिख रखा है तो बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन तो होगा? शशांक नो क्वेश्चन, ओके। किसी ने क्वेश्चन वगैरह कुछ लिखा हो तो बताइए। हाँ अच्छा, प्रियंका काफी दिनों से नहीं आ रही है, ये देखता हूँ। रतन कोई सवाल आपका? अच्छा, और रतन का जो एक सवाल था कि उनको मेरे हैंड रिटन का नोट चाहिए, तो रतन जी ऐसा है मेरे हाथ में लग गई है चोट, ठीक है, तो आज तक तो क्लास मैंने काफी मुश्किल से लिया है, तो अभी संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एक दो दिन मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं कुछ कर पाऊंगा इसमें। हालांकि मैंने कोशिश की है इस बार, जो आप लोगों को जो PDF सेंड किया है उसमें काफी कुछ मैंने मेहनत कर दी है लगभग, तो नोट्स में एज इट इज ही रहने वाला है, ठीक है, तो PDF को एज इट इज आप उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। कोई सवाल है आपका? सिंपल बिना कोई सवाल है तो बताइए। और आज सोनिया नहीं है, चलिए ये टॉपिक क्लियर है पूरा।
चलिए तो आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एक थोड़ा सा ये एक काम गया। देखिए एक पॉइंट छूट गया था, इसको मुझे लग रहा था कुछ कि यहाँ पर छूटा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं जरा सा। संदेश में ये पॉइंट हमारा छोटा था, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? कोई कमेंट कर दीजिए अगर दिखाई दे रहा है तो। हाँ ये थोड़ा सा पॉइंट, हाँ एक तरह से दिख रहा है। ओके ठीक है, चलिए तो एक यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था, तो इसको जरा सा देख लेते हैं। मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुख, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखते हैं जरा सा पेन ले लेता हूँ। ठीक है, मोकासा, मोकासा चौथ का 66% भाग संबंधित था जो सरदारों को मिलता था, इसको कहा गया मोकासा। मोकासा यानी टैक्स है, ये एक प्रकार का कर है, याद रखिएगा टैक्स। ठीक है, अपने यहाँ तो जीएसटी है। चलिए फिर है बावती, ये चौथ का 25% छत्रपति को मिलेगा, ये मराठा सरदार को मिलेगा मोकासा, और छत्रपति को मिलेगा चौथ का बावती, इसको कहते थे चौथ का जो 25% है, यानी 100 रुपये अगर चौथ में आ रहा है तो 25% जो है वो छत्रपति को दिया जा रहा है। ठीक है, तीसरा था सहोदरा, ये चौथ का 6% सचिव को मिलता था। ठीक है, सचिव सभी मंत्रियों में जो प्रधान होता था, हालांकि वो पेशवा तो अलग हो गया, पोस्ट ही अलग हो गया, लेकिन ये जो बाकी जो मंत्रियों जो थे उनका सचिव होता था, बेसिकली उनको 6% उनको मिलता था। और नाथ गोंडा जो है ये चौथ का 3% छत्रपति के विवेकाधिकार का पर आधारित है ये। ठीक है, ये चार चीजें जो टैक्सेशन पे है, मोकासा, बावती, सहोदरा और नाथ गोंडा, एक बार रिपीट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। मोकासा, बावती, सहोदरा और नाथ गोंडा। ठीक है, कुल मिला के जो वसूला जाता है, क्लियर है? और ये मराठा द्वारा जो जो भी सैन्य अभियान होगा उसमें राज्य से चौथ लिया जाता था। देखिए यहाँ सैन्य अभियान लिखा है मैंने, तो वहां पे चला गया वो सैनिक अभियान, सेना अभियान। ठीक है, तो वस्तुतः यह आक्रमण के बदले, मतलब हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे आक्रमण से बचना है तो टैक्स दीजिए, चौथ दीजिए हमको। और इसी चौथ वसूली के चक्कर में बहुत सारे लोग, जो स्थानीय जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो मराठों के दुश्मन बनती हैं। ठीक है, और यही वजह थी कि पानीपत का जब वॉर होता है, इस वॉर में मराठों को कोई भी सहायता नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब आते हैं मराठों के जो गांव होते थे उसमें मुख्य अधिकारी होते थे पटेल या पाटिल, तो आज भी ये सरनेम आप लोगों को मिल जाएगा, पाटिल कहलाता था, जो कि टैक्स संबंधी कार्यों को
एवं देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, पाटिल सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पाटिल कर संबंधी कार्यों को और न्यायिक कार्यों को दोनों को देखेगा, ठीक है, दोनों की भूमिका है। यूपीएससी आपसे कभी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए पूछ सकता है कि पाटिल की भूमिका केवल कर संबंधी थी या केवल न्यायिक संबंधी, नहीं दोनों थी, दोनों तरफ रहेंगे, ठीक है, दोनों बताते। पाटिल के नीचे कौन होंगे, पाटिल के नीचे होंगे कुलकर्णी, ये भी एक सरनेम में हुआ, अब वर्तमान में आप देख सकते हैं कुलकर्णी, फेवरेट नहीं, पुरानी एक्ट्रेस है ममता कुलकर्णी, तो ये वही है मराठी, ठीक है। तो ये भूमिका लेखा जोखा रहते थे, तो बेसिकली आप इनको नायब तहसीलदार या फिर लेखपाल वगैरह समझ सकते हैं वर्तमान में। उसके नीचे होते थे चौगुले, चौगुले सीपो चौगुले, जो कि कुलकर्णी की को असिस्ट करते थे, ठीक है, कागज पत्र रखने में उसके लेखों की देखभाल करते थे चौगुले, ठीक है। और इसके अतिरिक्त 12 अलूटे बलूटे होते थे, ये एक पोस्ट थी जिसमें 12 लोगों की, इनकी संख्या 12 होती थी, और ये अन्य कार्यों में सहायता करते थे, भाई किसकी जमीन है, खसरा खतौनी अगर आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ दिल्ली में तो किला वगैरह चलता है, तो ये जो पेपर का जमीन का जो आपके जमीन का जो नक्शा वगैरह जो होता है या और जो अन्य चीजें हैं वो सब देखने का काम अलूटे बलूटे किया करते थे। तो अगर मराठा प्रेस पेशवा संघ की बात करें हम, इसमें होलकर, भोसले, सिंधिया और गायकवाड़ सभी लोग शामिल थे, ठीक है। ये हो गया आपका सारा, ये अब बताइए कि ये हो गया आपका कंप्लीट पूरा, चौथ प्रजा से देखिए शशांक का प्रश्न है कि ये चौथ प्रजा से वसूला जाता था क्या, नहीं, उस क्षेत्र में जो वहां के शासक होते थे, ठीक है, उनसे ये मतलब लिया जाता था चौथ, प्रजा से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, प्रजा से क्यों क्यों दान करेंगे, प्रजा से तो ले भी नहीं पाएंगे वो, दूसरे के क्षेत्र में जाके घर घर जाके तो टैक्स तो कर नहीं सकते ना, जो उनके शासक है शासक से लेते, ठीक है। और किसी का कोई सवाल, किसी का कोई और सवाल है तो बताइए। कहाँ सो गए आप लोग, किसी का कोई सवाल है, यस या नो तो कम से कम लिख दीजिए, ठीक है, एटलीस्ट पता तो चले बाकी बच्चे सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हाँ ये समझ में नहीं आता ना फिर, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, क्लियर है। चलिए तो और पूजा, सब लोग तो आना जाना कर रहे हैं तो सबका कनेक्शन यहाँ पे आना जाना हो रहा है। रतन का कोई सवाल है तो बताइए, रतन समझ में आ गया, क्लियर, रतन समझ में आ गया, रतन सर सवाल पूछे तो हैं, कौन सा सवाल भाई, कहाँ आ गया आपका सवाल, तो भी देखता हूँ, इब्राहिम गार्दी कौन था, इब्राहिम गार्दी मराठों में जो इनके जो तोपखाना जो था उसका हेड था प्रमुख,
इब्राहिम गांधी, ठीक है, मराठों की तरफ से लड़ा। देखिए खासियत यही है कि उस वक्त मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा था, ठीक है, तो वहां पे धर्म इशू नहीं था। मराठे जो थे वो सूफी संत को भी मान रहे थे, भक्ति मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो सूफी सूफीज को भी मानते थे, सूफी संतों को भी, ठीक है। तो इब्राहिम गार्दी का भी सहयोग मिलता है इनको। और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। सर मैं मैथ के बारे में पूछूंगी आपसे। ओके ठीक है, मैथ्स के बारे में पूछना है आपसे। चलिए, मैथ्स के बारे में कोई बहुत खास जानकारी तो है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ कुछ बुक्स का नाम है, तो आप एक बार, क्योंकि मुझे आप लोगों के नंबर में सेव नहीं होते हैं, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। फिर मैं देखता हूँ, अगर मुझे मैथ्स के बारे में कुछ बुक्स के बारे में पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है जी ना। मैथ्स के आपका ऑप्शनल है या फिर ऐसे कुछ नॉर्मल मैथ्स को आपको बनाना है, किस तरह का सवाल है ये जरा बताइए। मतलब नॉर्मल क्या सवाल, मतलब मैथ्स का कौन सा नॉर्मल मैथ्स? ओके, तो आरएस यादव की एक बुक आती है उसको ले सकते हैं आप, लेकिन मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर यूपीएससी की बात करें, एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स की कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको रीजनिंग आना चाहिए, मैथ्स के 4-5 सवाल होते हैं। हाँ वो आपको देखिए 35 क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसमें जान लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे आप पारस अग्रवाल की का मैथ्स है या एस डी यादव है, दो बुक है, आप किसी को एक को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से मैथ्स के लिए पीछे आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। तो संधि का क्या मतलब है? संधि मैंने बताया था, संधि का मतलब आप समझौता ले लीजिए। बिना का क्वेश्चन है सर, एनसीईआरटी की कौन सी बुक ठीक रहेगी? देखिए अभी तो नई वाली जितनी भी है अभी आप उसको देख लीजिए, साइट मैंने दे रखी है, शेयर कर रखी है मैंने साइट, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। लेकिन कुछ जगह पे मुझे, अगर मेरी अपनी बात व्यक्तिगत बात करें आप, तो पुराना वाला एनसीईआरटी जो है उसकी भाषा शैली बहुत ही सशक्त है, आप इंग्लिश, आपका वोकैब जो है वो इंग्लिश होगा उससे। हाँ रतन, संधि का मतलब है समझौता करना, आप ऐसे समझिए, कल भी बात हुई थी इसको। संधि या समझौता एक ही बात है लगभग। इस बार आप लोगों को चूंकि काफी टाइम मिल गया है यूपीएससी के लिए, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि हाँ क्या है, कौन सी बुक है सर? पुरानी वाली, पुरानी वाली में आप हिस्ट्री मतलब सारे सब्जेक्ट्स की आती है, आप उसको देख सकते हैं। ये लॉकडाउन तो यहाँ लगभग दिल्ली में मोटा मोटी खुल गया है, बुक स्टोर वगैरह खुल रही है, तो आप थोड़ा प्रिकॉशन बरतते हुए
आप उस बुक को परचेस कर सकती हैं, फोटो कॉपी मिलेगी, ओरिजिनल तो मिलना अब मुश्किल है। दोनों को देख सकते हैं एनसीईआरटी, लेकिन हाँ एनसीईआरटी ही देखिएगा, नई और पुरानी, क्योंकि तो सबको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, तो काफी अच्छी है, नई वाली भी अच्छी है, लेकिन भाषा जो है बहुत दमदार है, वो पुरानी वाली है। कोई और सवाल किसी का? सर मुझे बिना का प्रश्न है कि सर मुझे एक बार राइटर का नाम बता दो एनसीईआरटी की बुक का। एनसीईआरटी बुक की राइटर का नाम नहीं होता है, आप क्लास 11th और 12th की बुक बेसिकली देख लीजिए, लोग 6th to 12th बोल देते हैं, पर मैं उसको प्रेफर नहीं करता। मैं आप 9th बहुत हुआ तो 9th 10th 11th 12th पढ़ लीजिए, ठीक है? या फिर 11th 12th भी अगर पढ़ लेते हैं लगभग सारी सब्जेक्ट की तो सफिशियंट है 11th 12th, क्योंकि तो बेसिक चीजें वो आपको पता चल जाएंगी उससे। 11th 12th को ही देखिए, 9th 10th तो रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, 11th 12th की बुक ही काम आती है बेसिकली, अगर हम लार्जर परस्पेक्टिव में बात करें तो। हिंदी में? हाँ, हिंदी में ही मिलेगी सारी बुक, एनसीईआरटी की हिंदी में मिलेगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अगर आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकती हैं। नहीं मिल रही सर, कहाँ नहीं मिल रही है, हर जगह मिलती है, यहाँ हमारे यहाँ तो मिलती है, नेहरू विहार में तो मिल रही है, और आज तो बुक भी मैं लेके आया हूँ। नहीं, हिंदी में सारी बुक मिल रही है। आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ से हैं बिना? उत्तम नगर, दिल्ली में ना, तो कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा लॉकडाउन को अच्छे से खत्म होने दीजिए, उस तक तब तक वेट कर लीजिए, ठीक है? मैं आपको हिंदी वाला प्रोवाइड करवा देता हूँ, आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए बताइए, मैं उसको इसमें शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल तो आपको थोड़ा टाइम नहीं, पढ़ना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन ही पढ़ना होगा टेक्स्ट बुक तो आपको। हाँ सोशियोलॉजी की, ओके ठीक है, 11th 12th की मिल जाएगी आपको, पुरानी वाली नहीं मिलेगी, नई वाली मिल जाएगी आपको आराम से। आप एक बार ग्रुप में भी अगर आप अगर हैं तो आप उस ग्रुप में देखिएगा जरा सा, व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैंने शेयर कर रखा है लिंक, उसमें जिस भी क्लास की चाहिए आपको वो सारे मिल जाएगी, और जिस भाषा में चाहिए इंग्लिश हिंदी में वो आपको आराम से मिल जाएगी। तो सोशोलॉजी का 12th क्लास की ही बुक पढ़िएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्रुप में मेरा नंबर ऐड नहीं है, ओके अच्छा ऐड नहीं है तो ठीक है। अच्छा ग्रुप में ऐड नहीं है, तो आप अगर मेरे पास ऐड करने का एक्सेस तो नहीं है, आप एक बार सर से बात कर लीजिए, अरुण सर से, ठीक है? अरुण जी आपको ऐड कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है? हाँ एक सेकंड, और किसी को कोई सवाल हो? चलिए आपके पास अरुण जी का तो नंबर होगा, आप अरुण जी से एक बार बात कर लीजिएगा, वो ऐड कर लेंगे आपको, ठीक है?
ग्रुप में मैंने शेयर कर रखा था आपको, आपके प्रश्नों को जो भी है एड्रेस कर लिया मैंने, तो ये दो चीजें जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो बताइए, फिर आपकी क्लास को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, तो तीन लोग ही बचे हैं, बाकी सब लोग चले गए। इसमें भी दो लोग आना जाना लगा हुआ है। चलिए, अब तो तीनों लोग आ गए वापस। ओके, फिर चलिए क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। रतन का फिर से एक सवाल आ गया, सर भारत का शासक कौन बना? भारत का शासक कौन बना? अब तो अंग्रेज बनेंगे ना, शासक टेक ओवर तो कर लिया उन्होंने। और 1857 की जब लड़ाई हो जाती है, जब लड़ाई मीन्स क्रांति होती है, तो फिर क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह जो है केंद्र में, वो बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक है। ये मुगल पीरियड में हम पढ़ देंगे, ठीक है। चलिए रतन, ठीक है। हाँ सर, पानीपत का युद्ध हुआ था 1761, ठीक है। तो 1761 में फर्रुख सियार की हत्या कर दी जाती है, और ये नोट्स में मैंने दे दिया है, फर्रुख सियार की हत्या करके अगला जो शासक है ये मराठे जो है वो बनवाते हैं। अच्छा, उसको राजपूर घाट की संधि पढ़िएगा, ठीक है। ये आपके कहाँ पे 1761 में शाह आलम द्वितीय पानीपत का जब तीसरा युद्ध हो रहा है, तो शाह आलम द्वितीय है वो गद्दी पर बैठाया गया था, ठीक है। क्लियर है? नोट्स में दिया है मैंने, ठीक है, चालन दे दिया। चलिए, और कोई सवाल तो नहीं है? बहुत रुक रुक के आप लोग सवाल पूछते हैं भाई। चलिए, तो फिर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, बाय।